हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं इसका ये बॉर्डर बनाने के लिए बतलाई थी। ये दो भाग में बॉर्डर बन गया है। आज मैं आप लोगों को ये चीज़ बनाने के लिए बतलाऊंगी। इसमें हम लोगों को इस स्थान से उठाना पड़ेगा, यानी कि इस स्थान से हम लोगों को सिलाई पर फंदे चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ का फंदे यानी यहाँ से यहाँ तक पहले हम उठाएंगे। देखिए, इस साइड से समझिए, यहाँ से यहाँ तक हम फंदे उठाएंगे। उठाने के बाद हम बुनते चले जाएंगे। बुनने में हमें यहाँ पर फंदे को बढ़ाना है। करीबन प्रत्येक सीधा में हमें एक एक फंदे को बढ़ाते हुए एक्स्ट्रा 11 फंदे हमें बढ़ाना है। ठीक है, 11 फंदे बढ़ाने के बाद में हमें यहाँ पर ये जगह पर हमें डायरेक्ट 36 फंदे, 35 या 36 मैं गिनकर बताऊंगी, उतना फंदे यहाँ पर बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद इधर बुनना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फंदे उठाएंगे। उठाने के बाद ये डिजाइन बुनते हुए किस तरह से हमें घर को यानी कि फंदे को हमें बढ़ाना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग फंदे ले लिए हैं 3, 3, 6, 3, 9, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 36। 36 फंदे हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, अब 36 फंदे लेने के बाद में एक उल्टा और एक सीधा बुन चुके हैं, जिसमें कि हम पिछले वीडियो में बताए थे एक सीधा और दो उल्टा बुनेंगे। ठीक है, एक सीधा दो उल्टा, एक सीधा दो उल्टा, इस तरह से सिलाई कंप्लीट करेंगे और उल्टे तरफ से बिल्कुल उल्टा बुनेंगे, पूरा उल्टा बुनेंगे। ठीक है, इस तरह से हम दो सिलाई कंप्लीट किए हैं। अब देखिए तीसरे में हमें क्या करना है। तीसरे में यहाँ हम इस तरह से एक बुन लेंगे। बुनने के बाद में नीचे की ओर से एक फंदे को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से फंदे को हम बढ़ा लिए। अब हमें देखना है कि हमें यहाँ पर क्या, यानी कि उल्टा है हमारा या सीधा है, सो हमें देखना है। ठीक है, तो ये दो उल्टा एक सीधा, दो उल्टा एक सीधा, यानी कि अभी हमारा ये सीधा चलेगा, सीधा, और फिर अब हम दो उल्टा बुनेंगे, एक दो, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर दो उल्टा बुनेंगे। इस तरह हम पूरा ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। दो उल्टा और एक सीधा। हमारा ये सिलाई कंप्लीट हुआ। लास्ट का एक बच गया है, तो इसे भी हम सीधा बुन देंगे। बुन दिया सीधा। अब जब हम उल्टे तरफ से आएंगे तो पूरा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम पूरा उल्टा बुनेंगे। ये उल्टा कंप्लीट हो गया। अब हम फिर सीधे की ओर आएँ। अब सीधे तरफ जब हम आएंगे तो फिर हमें एक फंदा बढ़ाना है। अब फिर इस जगह से ही फंदे बढ़ाएंगे, जैसे कि हम पिछले सिलाई में बढ़ाएं, एक सीधा बुन लेंगे और दूसरा नीचे की ओर से लेते हुए और हम बुन लेंगे। तो हमारा फंदा बढ़ गया। अब हमें ध्यान देना है, ये सीधा जो चोटी चला आ रहा है, ये सीधा के बाद दो उल्टा है, फिर एक सीधा है, फिर ये उल्टा, यानी कि अब हमें फंदे बढ़ाने के बाद एक उल्टा बुनना है। तो हम उल्टा बुनते हैं, ये उल्टा, अब सीधा, सीधा तरफ से आ गए। अब इसी वक्त हमें फूल भी बनाना है, तो हम फंदे को नीचे करेंगे और सीधा में
एक दो तीन, तीन से नीचे चौथा जो हमारा है, फोर्थ जो चेन है हमारा, वहाँ हम इस तरह सिलाई को डालेंगे और फंदे को इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। और ना ज़्यादा टाइट करेंगे फंदे को, ना ढीला रखेंगे, और निकाल कर ये फंदा हम गिरा देंगे। गिराने के बाद फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर हम दो सिलाई उल्टा बुनेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर जब हम सीधा में आए तो फिर उसी तरह हमें, देखिए इस जगह पर हमें गिरा, ये इस जगह से हमें डालना है सिलाई को और फंदे को निकालना है। निकाल लिए फंदे को, अब हम ये जो फंदा है सिलाई पर इसे हम गिरा देंगे और फिर फंदे को हम ऊपर करेंगे और दो दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर सीधा में इसी तरह करेंगे, इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन जाएगा। ये डिजाइन हम वीडियो में डाले हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, या इस डिजाइन का हम कान्हा जी का पोशाक भी डाले हुए हैं। इसी तरह से हमें पूरा सिलाई कंप्लीट करना है। हम आपको इतना ही फंदा पर बताते हैं, ठीक है, हम इतना नहीं बुन रहे हैं, इतना पर ही हम आपको बता रहे हैं। फिर जब हम उल्टा तरफ से आएंगे तो हम फिर उल्टा, पूरा उल्टा बुनेंगे। जब हम फिर सीधे तरफ से आएंगे तो फिर हमें एक फंदा बढ़ाना है। फंदा हम उसी तरह से बढ़ाएंगे, एक और फिर नीचे से एक, तो हमारा दो, एक से दो फंदा हो गया। और फिर हम, अब देखिए दो उल्टा है यहाँ, चूँकि हमारा यहाँ चैन जा रहा है तो ये सीधा हो गया और ये दो उल्टा हो गया, तो हम फंदे को अपनी ओर करके दो उल्टा बुनेंगे। अभी छः, तीन, तीन फंदे हम बढ़ा चुके हैं, ठीक है, हमें 11 फंदे बढ़ाना है। आपको ये सिलाई, ये इतना फंदा ये भी बुनना है, मैं सिर्फ आपको इतने फंदे पर बतला रही हूँ, ठीक है, ये टोटल आप बुनते जाएंगी। उल्टे तरफ से बिल्कुल उल्टा, इस तरह से हम 11 फंदे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अभी एक बार और हम आपको फूल बनाना बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये हम तो अभी फूल बनाए, वो चैन है ये, इसके बाद हमारा चैन का संख्या हो गया है 1 2 3, ठीक है, तीन हो गया, ये हम फूल बनाए हैं और ये 1 2 3, यानी कि अब हमें फिर से इस जगह पर फूल बनाना है। तो देखिए घर को हम, फंदे को यानी हम बढ़ाते हुए फूल बनाएंगे, इसी तरह हम फंदे को बढ़ाएंगे, बढ़ा लिए। अब ये दो उल्टा यानी एक सीधा बुनेंगे, फिर दो उल्टा बुनेंगे। अब हमें फिर से उसी फूल को बनाना है, तो उस फूल को बनाने के लिए लास्ट जो हम यहाँ पर, ये चैन जो आप देख रहे हैं जहाँ पर हम फूल को बनाए थे, उसी
बीचों बीच में ठीक आप सिलाई को डालें, ठीक इसके ये बीचों बीच में सिलाई को डालें और फंदे को ले निकालें और फिर ये जो सिलाई पर जो फंदा है इसे आप गिरा दें। फिर फंदे को अपनी ओर करें और दो उल्टा बुनें। फिर हम चैन वाला स्थान पर पहुंच गए तो फिर हम उसी तरह करेंगे तो हमारा ये डिजाइन बनकर आ जाएगा सामने। इसी तरह से ये डिजाइन बना है। पहले अब हम इधर से एक एक फंदे को बढ़ाते हुए 11 फंदे हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 11 फंदे हम बढ़ा चुके हैं, जैसे कि देखिए यहाँ से हम गिनेंगे, ये यहाँ के बाद से हम गिनेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 11 फंदे हमारे यहाँ के बाद से, यानी 11 फंदे हम बढ़ा चुके हैं, ठीक है। बढ़ाने के बाद देखिए बिनकर इस तरह से कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हमको ये चीज़ अब हमें बनाना है, ये चीज़। तो इस चीज़ के लिए हम फंदे लेंगे, हम यहाँ 35 फंदे लेंगे, ठीक है। तो फंदे देखिए किस तरह से हम लेंगे, हमें यहाँ बढ़ाना है फंदा, ये इस तरह से बीचों बीच से निकालेंगे हम, फिर इसे इसमें डालेंगे, एक बढ़ गया, इसी तरह हमें 35 करना है, 2, 3, 4, 5, ठीक इसके बीचों बीच से हम डाल रहे हैं इस तरह से, 6, 3, 3, 6, ये 7 हुआ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह से हमें यहाँ 35 तरह से हम यहाँ पर 35 की जगह पर 36 फंदे को चढ़ा चुके हैं सिलाई पर। अब हमें यहाँ पर बिनना है एक सीधा और दो उल्टा, 1, 2, 2 उल्टा, फिर एक सीधा और फिर दो उल्टा, इसी तरह से बिनते हुए हमें पूरा सिलाई कंप्लीट करना है और उल्टा तरफ से उल्टा बुनना है हमें। और जब फिर हम सीधा तरफ से आएंगे तो फिर हमें इसी तरह का मिलाते हुए, अभी यहाँ पर तो डिजाइन नहीं बनेगा लेकिन इस बार जब हम आएंगे तो अगला यहाँ से डिजाइन बनना शुरू होगा, जैसे कि देखिए इसमें यहाँ से डिजाइन नहीं बना लेकिन एक यहाँ डिजाइन बन चुका है। और जब हम इस स्थान पर डिजाइन मिला करके बनाने लगे तो हम कुछ नीचे की ओर से ही, यानी 3 के जगह हम 4, 5, 5 चैन के नीचे से हम फंदे लेकर डिजाइन बनाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से हम जितना यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे उतना में हम, यहाँ पर जितना भी फंदे हमारे बढ़े थे उतना में हम फूल बना लिए। देखिए फूल की संख्या क्या है, 1, 2, 3, ठीक है। 3 फूल बनाने के बाद में हम जितना हम फंदे बढ़ाए थे उतना फंदे का ही हम बॉर्डर बिन दिए, ये चीज़ बॉर्डर, ठीक है, जो कि हमारा ये है, ये बॉर्डर आ गया, वही चीज़ यहाँ पर बुना हुआ है, ठीक है। अब हम बॉर्डर में से गिराते चले जाएंगे, फंदे को हम गिराएंगे, यानी यहाँ तक आप समझ गई। यहाँ से हम घर बढ़ाते हुए आए 11,
इसके बाद यहाँ हम सीधे 36 फंदे बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद में ये फूल बनाए, फूल तीन फूल बनने के बाद में फिर हम बॉर्डर बनाना शुरू कर दिए, जो कि ये बॉर्डर हम बताए हैं वो बॉर्डर बनाए। अब बॉर्डर बिनने के बाद में अब हम यहाँ के फंदे को गिरा रहे हैं। फंदे को हम इस तरह से गिराएंगे। पीछे जो हमारा ये फंदा है उसे हम आगे की ओर गिरा देंगे। इस तरह से हम गिराते हुए चले जाएंगे। हमारा जब यहाँ 7 फंदा बच जाएगा बॉर्डर का, ये देखिए इस जगह से बॉर्डर शुरू है, तो 3 3 6 1 7 7 बच जाएगा, तब हम बंद कर देंगे गिराना। यानी कि हमें और अगर गिराना है 5 5 फंदे और हम गिरा लेते हैं। 1 2 3 4 और ये रहा 5 5 गिरा लेने के बाद में फिर हम फंदे को अपनी ओर करेंगे। और ये जितना हमारा फंदा यहाँ बच गया यानी 7 है, 7 का हम बॉर्डर बिनेंगे। इस तरह से बॉर्डर बिनते हुए बॉर्डर हो गया। अब हम जहाँ उल्टा है, जहाँ सीधा है, वहाँ सीधा बुनेंगे डिजाइन। यानी हमें पूरा इस पूरा लाइन कंप्लीट करना है, ठीक है, इसी तरह से बिनते हुए। तो यहाँ तक आप समझ गई ये कैसे बॉर्डर यहाँ का बना है, और यहाँ का बॉर्डर बन जाएगा। देखिए आप इस जगह पर, ये हम इस जगह पर जो हम चैन गिराए हैं अभी, घर बंद किए हैं, वो बंद कर लिए। अब यहाँ का बंद करने के बाद से इतना दूरी तक और बुनाएगा, ठीक है। देखिए कितना बुनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो आप धारी देख रही हैं ये 9 बिनाएगा। 9 बिनाने के बाद में आप इसे जस का तस सिलाई पर ही रहने दें। यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है। पहले हमें एक भाग तैयार हुआ, अब दूसरा तैयार करेंगे, फिर तीसरा, चौथा, 4 भाग हम तैयार कर लेंगे, तब हम इसकी बुनाई को करेंगे, ठीक है। तो अब पहला तैयार हो गया, अब हमें दूसरा तैयार करने के लिए क्या करना होगा, देखिए। ये तो आप समझ गई यहाँ कैसे करना है, तो मैं आपको दूसरा पल्ला तैयार करने के लिए बता रही हूँ। इसे मैं एक में उतार देती हूँ। अब देखिए आप ये तैयार कर लेंगी जब, यानी कि ये पल्ला तैयार कर लेंगी जब, इतना दूरी तक आप जब बुन लेंगी, तब आपको इधर से फिर से दूसरा पल्ला स्टार्ट करना है। यानी कि इस स्थान से दूसरा पल्ला आपको शुरू करना है। शुरू करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, हम इसे यूं इस तरह से पलट लेंगे, पलट कर ले लेंगे, और फिर हम यहाँ पर फंदे को चढ़ाएंगे। अगर हमारे पास क्रोशिया है तो हम क्रोशिया की मदद से जल्द हो जाएगा। देखिए इस तरह से जितना हम इस तरफ
चैन लिए थे, यानी जितना हम इस तरफ फंदे लिए थे उतना फंदे हमें लेना है, यानी हम लिए थे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिए थे, तो हमें 35 ही फिर यहाँ भी लेना है। तो इस तरह से हम घर को फंदे को उठाएंगे, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
सिलाई पर चढ़ा लेंगे। हाँ, हम सिलाई पर चढ़ा लिए। अब सिलाई पर चढ़ाते हुए हमें यहाँ बुनना है। देखिए, हमें दो बिल्कुल प्लेन बुन जाना है। जिस तरह से हम इस तरफ बुने हैं उसी तरह से हमें इस तरफ भी बुनना है। हमें इस पल्ला में हम सीधे तरफ से घर को यानी फंदे को बढ़ाए थे, और जब हम ये पल्ला बुनेंगे तो हम उल्टे तरफ से फंदे को बढ़ाएंगे और वही 11 फंदे बढ़ा लेंगे। 11 फंदे बढ़ाने के बाद इधर हम 36 फंदे और ले लेंगे। 36 फंदे लेने के बाद हम इसी तरीके से बीनेंगे। सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। और हम इस तरह से बीन के देखिए, जैसे कि ये चीज़ यूँ हो जाएगा। ये चीज़ हम कंप्लीट किए। अब इधर से जब हम आएंगे तो हम इस चीज़ हमें फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि जैसा हम इधर बीने उसी तरह हम इधर बीन लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा घर बचेगा, यहाँ पर जो हमारा फंदे बचेगा, वो फंदे को हम किसी भी चीज़ में उतार कर रख लेंगे। क्योंकि जब चारों जब कंप्लीट हो जाएगा तब हमें ये गुलाई को बनाना है और साथ में फिर ये बाँह को बनाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इतना बना लेते हैं और आगे इसकी गुलाई को और इसका बाँह को, ये जो है इसे बनाने के लिए और इसमें सिलने के लिए हम इसका पार्ट थर्ड देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ब्लाउज का डिजाइन पार्ट टू पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हम लोग अब इसका पार्ट थर्ड देखेंगे।